ओम शांति। 30/3/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। प्रश्न, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब यह नाटक पूरा हुआ। हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रहे, पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। ओम शांति। आप दृष्टि जाऊं, आप दृष्टि।